नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम लेके आए हैं दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा Z66 और दूसरा स्मार्टफोन रेडमी 8A डुअल। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, साथ ही नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लावा Z66 की। तो ये लावा ने हाल ही में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत है 7,777 रुपीज, जिसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको 13+5 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा और फ्रंट सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें दिया गया है। बैटरी की बात करें, 3950mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। और अब बात करते हैं Redmi 8A Dual की। तो ये है 2GB वेरिएंट, जो कि आपको ऑनलाइन प्राइस लगभग 8,100 रुपीज में मिलता है। इसमें आपको मिलती है 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको दिए गए हैं 13+2 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और बैटरी आपको इसमें मिलती है 5000mAh की। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें दोनों मोबाइल में। खास बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में चैनल पे आए हैं पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग में। बैक साइड में देखें, थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन। शुरुआत करते हैं लावा Z66 से। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन मिलता है, इसके बाद अंदर देखें तो एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल आपको इसमें दी गई है। ये है इसके साथ मिलने वाला नॉर्मल चार्जर, जिसकी आउटपुट रेटिंग देखें तो 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर का हमें इसमें चार्जर दिया गया है और USB केबल आपको इसमें माइक्रो USB केबल मिलती है। इसके बाद नजर डालते हैं Redmi 8A Dual में। तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स, जिसके अंदर सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, इसके बाद आता है स्मार्टफोन, फिलहाल इसे भी रख लेते हैं साइड में। और अंदर इसमें भी एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल हमें दी गई है। यह है 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर, जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की और इसमें हमें USB केबल टाइप सी मिलती है। ये हैं दोनों स्मार्टफोन। दोनों मोबाइल के फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको टेम्परेरी स्क्रैच गार्ड लगे हुए मिलते हैं, इन्हें हम हटा देते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही मोबाइल में हमें ड्रॉप नॉच मिलती है। जब भी आप मोबाइल परचेस करो तो टेम्पर्ड ग्लास तुरंत लगा लें, स्क्रैचेस आने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। और ये है दोनों मोबाइल के बैक साइड का लुक। कर्वी बैक पैनल आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। दोनों ही मोबाइल में प्लास्टिक बॉडी दी गई है। यहाँ पर हम देखें तो लावा Z66 में हमें काफी कलरफुल और काफी ग्लोसी फिनिश बैक पैनल में दी गई है। Redmi 8A Dual में आपको टेक्सचर डिजाइन आपको बैक साइड में मिलता है, जिनमें स्क्रैचेस आने के काफी कम चांस रहते हैं। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको लावा Z66 में मिल जाता है, Redmi 8A Dual में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। नजर डालते हैं लावा Z66 में। तो इसमें राइट साइड में आपको मिलती है पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ। ऊपर की साइड दिया गया है 3.5mm का ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जिसमें 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। बॉटम में हमें स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक और प्राइमरी माइक दिया गया है। मोबाइल के बैक साइड लावा की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में हमें मिलते हैं 13+5 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं नजर डालते हैं Redmi 8A Dual में। तो इसमें भी राइट साइड में हमें पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, इसमें भी आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। और मोबाइल के नीचे की साइड हमें 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल के बैक साइड Redmi की ब्रांडिंग और रियर में 13+2 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिए गए हैं। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिलता है। दोनों मोबाइल की पावर को हमने ऑन कर लिया है और यहाँ ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ब्राइटनेस भी फुल कर दी है। तो डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही स्मार्टफोन में हमें काफी अच्छी मिल जाती है। आइकन कुछ ऐसे दिए गए हैं और यूजर इंटरफेस देखें तो लावा Z66 में स्क्रॉल अप करने पर आपको सारी ऐप यहां पर देखने को मिल जाती है। वहीं Redmi 8A Dual में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी ऐप देखने को मिलती है। लावा Z66 में आपको सारी काम की ऐप देखने को मिलती है। Redmi 8A Dual में कई प्री इंस्टॉल ऐप दी गई हैं,
ये देखिए यहाँ पर गेम्स भी आपको प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, हालांकि आप इन्हें हटा सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार अपनी पसंद की ऐप अपने मोबाइल में आप रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की। तो लावा Z66 में हमें मिलती है 6.08 इंच की HD+ डिस्प्ले विद 2.5D कर्व ग्लास के साथ, और Redmi 8A Dual में हमें मिलती है 6.22 इंच की HD+ IPS LCD। वहीं एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो दोनों ही मोबाइल में 19:9 का एस्पेक्ट रेशो हमें दिया गया है। Redmi 8A Dual में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको लावा Z66 में मिलता है 720x1560 पिक्सल और Redmi 8A Dual में मिलता है 720x1520 पिक्सल का। पिक्सल डेंसिटी आपको 283 PPI की मिलती है लावा Z66 में और 270 PPI की मिलती है Redmi 8A Dual में। बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के हाइट की। तो 155.6 मिलीमीटर की हाइट के साथ आता है लावा Z66 और 156.4 मिलीमीटर की हाइट के साथ आता है 8A Dual। थिकनेस 8.85 mm की मिलती है लावा में और Redmi में दी गई है 9.4 mm की थिकनेस। वेट की बात की जाए तो लावा Z66 का वेट है 162 ग्राम और Redmi 8A Dual का वेट है 188 ग्राम। और अब नजर डालते हैं सेटिंग में। सबसे पहले लावा Z66 की हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में यहाँ पर पूरा यूजर इंटरफेस हमें बिल्कुल चेंज देखने को मिलता है, जबकि इससे पहले के जो लावा के मोबाइल थे उनका यूजर इंटरफेस बिल्कुल चेंज हमें देखने को मिलता था। सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको फेस आईडी, बैटरी मोड्स और फिंगरप्रिंट सेंसर की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। डिवाइस नेम यहाँ पर लावा Z66 दिया गया है। बाकी फोन नंबर, सिम स्लॉट के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इसमें कोई सिम डिले नहीं है तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। रैम आपको इसमें मिलती है 3GB की और 32GB का इंटरनल स्टोरेज में से लगभग 22GB अवेलेबल है यूज करने के लिए। इसमें आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 128GB तक बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जो कि कोर्टेक्स A55 1.6 GHz के साथ आपको इसमें मिलता है। चिपसेट की यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, ना ही आपको इसके चिपसेट की डिटेल्स लावा वेबसाइट पे मिलती है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें आपको यूनी SoC का चिपसेट दिया गया है जो कि 1.6 GHz पर क्लॉक किया हुआ है। एंड्रॉयड वर्जन आपको इसमें मिल जाता है 10 और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको दिया गया है 5 जुलाई 2020 का। और नजर डालते हैं Redmi 8A Dual की सेटिंग में। तो यहाँ पर भी हम सेटिंग में चले जाते हैं। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको डिवाइस नेम, डिवाइस मॉडल दिया गया है। MIUI वर्जन आपको 11.0.7.0 का इसमें मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई आपको इसमें दिया गया है और 1/5/2020 का आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है। बाकी ऑल स्पेसिफिकेशन में देखें, यह है 2GB वेरिएंट, तो आपको इसमें मिलती है 2GB की रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 20GB अवेलेबल है यूज करने के लिए, और इसमें आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 512GB तक बढ़ा सकते हैं। 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का दिया गया है। दोनों मोबाइल के रियर कैमरा हमने कर दिए हैं ऑन, तो यहाँ पर कलर का डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको Redmi 8A Dual में थोड़ा सा येलो कलर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि लावा Z66 में आपको बिल्कुल क्लियर ग्रीन कलर ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोनों मोबाइल से जूम करके देखें तो यहाँ पर हम 4x तक जूम कर सकते हैं लावा Z66 से। Redmi 8A Dual से करके देखें तो यहाँ हम कर सकते हैं पूरा 8x तक जूम, तो यहाँ पर 8 गुना जूम हमने कर दिया है। तो जूम दोनों मोबाइल का काफी अच्छा आपको मिल जाता है। और ये है दोनों मोबाइल के सेल्फी कैमरा से ली गई सेल्फी, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे दोनों स्मार्टफोन जो लगभग 8000 रुपए के आसपास आपको मिल जाते हैं। कौन सा मोबाइल आपको पसंद आया, कौन सा मोबाइल आप परचेस करना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।